जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जुलाई का महीना चल रहा है और आज है 25 जुलाई, ठीक है। और आज एक नई वैकेंसी का लोग फॉर्म भर रहे हैं, सभी लड़के लड़कियां। आप लोग को आई होप पता होगा, और आपने अब तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो फटाक से भर दो। और ये SSC की वैकेंसी है, CRPF, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1876 वैकेंसी हैं, और जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, केंद्र की भर्ती हैं। सभी लड़के लड़कियां एलिजिबल हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पोस्ट मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कम से कम 20 से 25 दिन भरे जाएंगे, तो आप लोग फटाक से भर दो। ये SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर 22 जुलाई को नोटिफिकेशन लगी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगली भर्ती भी आने वाली है बहुत ही जल्द, GD कॉन्स्टेबल की भी, ठीक है, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। पहले इसके बारे में बता देते हैं, वही SSC के वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन है, इसे डाउनलोड करके खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, और 15 तारीख 8वें महीने, अगले महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी 15 दिन उधर 8 दिन इधर, ठीक है, कुल मिला के 20-22 दिन तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। करेक्शन की डेट कोई नहीं है, विंडो क्लोज होगा 16 को, ठीक है। और साथ में इसमें सैलरी पे स्केल बहुत ही बढ़िया है, सब इंस्पेक्टर GD के अंतर्गत लेवल पे 6 लागू है, 35,000 से स्टार्ट 1,12,000 तक आपकी सैलरी है, और सब इंस्पेक्टर की भी इसमें पोस्ट है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए दिल्ली पुलिस में, और इसमें 35,000 से 1,12,000 इसमें भी पे स्केल बढ़िया है। OBC, SC, ST हर कैटेगरी के लड़के लड़कियों के लिए इसमें सीट अवेलेबल है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी 10% रिजर्व सीट है, ठीक है, और टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिल्ली पुलिस में सीट है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस किस में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, ये पोस्ट के हिसाब से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे, एज आपकी 18 साल से ऊपर रहनी चाहिए और 27 साल के बीच में, उसके बाद छूट भी मिलती है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, कई सारी छूट भी मिलती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं कि इसका फॉर्म आप SSC के वेबसाइट पे ही वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे SSC GD कॉन्स्टेबल, SSC MTS, SSC CGL का फॉर्म अप्लाई करते थे, ठीक है, उसी प्रकार से अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, फ़ोटो वगैरह सही से डालिएगा, डबल फॉर्म होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है आपके सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोल नंबर सही होना चाहिए आपका, और आपकी डिटेल सही मैच करनी चाहिए 10th की सर्टिफिकेट से, और फोटो सीधी होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सही फोटो है। तो यहाँ तक तो ये बेसिक डिटेल मैंने बता दी, और अभी जो वैकेंसी नई आने वाली है वो SSC GD कॉन्स्टेबल की है। तो आई होप उसकी एडवांस से मैं आप लोग तैयारी में लग गए होंगे। तो मार्केट में चल रहा है चुकसु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक, जो भर्ती परीक्षा 2023 के एग्जाम पे आधारित है। इसमें आपको संपूर्ण एग्जाम से संबंधित पूरा निचोड़ आपको सिलेबस मिल जाता है, सारे अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं TCS के आधार पे जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपके, और पिछला जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है आपका। 2021 में जो भी एग्जाम हुए, 19 में जो भी एग्जाम हुए, तीनों शिफ्ट के एग्जाम का पेपर मिल जाता है, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ इसमें मिलता है, ठीक है। और गाइड बुक के साथ इसमें सॉल्यूशन भी है, सिंपल पेपर भी है, साथ में इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो ये गाइड बुक हो गया, ये प्रैक्टिस सेट हो गया, दोनों अवेलेबल है, ठीक है, आप सर्च करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है। और उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, तो ये वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी थी। अगली नोटिफिकेशन अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगी, SSC GD 2023 की वैकेंसी, ठीक है। और आई होप एडवांस में ही लड़के तैयारी में लग गए हैं, तो आप भी उसकी तैयारी में लग जाइए, और भी कोई अपडेट आती है तो आप लोग को बता दिया जाएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें। और आई होप किसी का और कोई डाउट रह जाता है, किसी का फॉर्म नहीं अप्लाई हो पाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम डिटेल कंटेनिंग बताता है, या पुराना वाला अकाउंट लॉक हो गया है, अनलॉक नहीं हो रहा है, OTP डालने के बावजूद भी SSC का अकाउंट खो गया है, खुल नहीं रहा है, पुराना वाला अकाउंट निकलवाना चाहते हैं और उसमें नया जीमेल, नया मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, कि इससे SSC के फॉर्म से कोई भी रिलेटेड इशू है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आप पहले ही नंबर होगा, सबसे पहले नंबर होगा, उस पर व्हाट्सअप करके अपनी डिटेल
भेज के जो भी प्रॉब्लम है बता के आप करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली से हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट रहता है, तो वहाँ पे लड़कों का डिटेल सेंड करके वहाँ से जो भी काम होता है करा के दे दिया जाता है। एक चार्ज जो पे करना रहता है और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे। आई होप ये जानकारी आज की आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।